प्रशिक्षण में हम लोग मेनली एक्ट और अस्थायी समिति, ग्राम सभा कैसे होगी, ग्राम सभा का कोरम क्या होगा, इससे संबंधित विषयों पर हम लोग चर्चा करेंगे। प्रखंड स्तरीय नव निर्वाचित मुखिया, उप मुखिया, पंचायत समिति सदस्य का गैर आवासीय 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन मुजफ्फरपुर मुसहरी प्रखंड सभागार में किया गया। आज का कार्यक्रम है सर, प्रशिक्षण से संबंधित है। जितने भी नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि है प्रखंड स्तर पे, जैसे मुखिया जी होंगे, उप मुखिया जी का, दोनों लोगों का ट्रेनिंग है। ये ट्रेनिंग सर पंचायती राज के उद्भव विकास से संबंधित है। पंचायती राज जितने धाराओं हैं उनका एक्ट क्या कह रहा है और एक्ट के अनुसार क्या क्या कार्य कर सकते हैं मुखिया जी, इससे संबंधित है। स्टैंडिंग कमेटी जो स्थायी समिति बनती है ग्राम पंचायत लेवल पे, स्थायी समिति के बारे में हम लोगों को बताना है। ये सर हमारा 3 दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण का कार्यक्रम है। इस प्रशिक्षण में हम लोग मेनली एक्ट और स्थायी समिति, ग्राम सभा कैसे होगी, ग्राम सभा का कोरम क्या होगा, इससे संबंधित विषयों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तीसरा दिन का सेशन जो सर हमारा है वो टोटली फाइनेंस से रिलेटेड है, उसमें सर हम लोग बताएंगे कि ग्राम सभा जो है वो क्या चीज़ है, हमारा निधि का स्रोत कैसे है, हमारा जो योजनाएं चलती हैं वो किन किन योजना में कैसे है, उनका बंटवारा कैसे किया गया, टाइट और टाइट, इन सब चीज़ों के बारे में विस्तृत पूर्वक जानकारी सर हम लोग ये प्रशिक्षण के दौरान देंगे। जी, हमारा 3 दिवसीय कार्यक्रम जी। सर अपना परिचय क्या हुआ? सर मेरा नाम ओम प्रकाश हुआ, हम जिला पंचायत संसाधन के मुजफ्फरपुर से हैं और हमारे साथ 3 सहकर्मी हैं। अंशु रानी है जिला के नोडल पदाधिकारी, उसके बाद है हमारे साथ किशोर जी और आकाश जी, ये भी हमारे साथ प्रशिक्षण देंगे, उनका सेशन कल होगा। आईना।